आप तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, क्या आप उन्हें वरदान ना देने के लिए मना नहीं सकते? मैं अभी अभी ब्रह्मलोक से ही आ रहा हूँ देवराज। ब्रह्मा जी ने कहा है देवताओं को सावधान कर दो, रावण का तपोबल इतना बढ़ गया है कि देर सवेर ब्रह्मा जी को वरदान देने के लिए विवश होना ही पड़ेगा। एक बार वरदान पाने पर रावण और उसके भाई चुपचाप नहीं बैठे रहेंगे देवऋषि। कैसी भोली बातें कर रहे हो वरुण देव, क्या चुपचाप बैठे रहने के लिए ही रावण अपने भ्राताओं सहित इतनी कठिन तपस्या कर रहा है? इसीलिए तो मैं आप लोगों को सावधान करने के लिए यहां आया हूं। हमें क्या करना होगा देवऋषि, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। नारायण नारायण, देवराज मैं नारायण भक्त, भला आपका क्या मार्गदर्शन कर सकता हूँ? बस इतना ही कहूंगा कि शीघ्र ही नारायण की शरण में चले जाइए, राक्षसों से आक्रमण के समय वे ही आपकी सहायता करेंगे। नारायण नारायण, एक शुभ समाचार तो मैं देना भूल ही गया। कैसा शुभ समाचार देवऋषि? नारायण के परम भक्त भगवान शिव 11वां रुद्र अवतार लेकर वानर राज केसरी और देवी अंजना के पुत्र के रूप में शीघ्र ही किष्कंधा में जन्म लेने वाले हैं। विद्युधर तुम? हाँ महाराज, इसने युद्ध में हारकर आपकी अधीनता स्वीकार करके भी इसने आपके विरुद्ध फिर से सर उठाने का प्रयत्न किया और हमारी सेना पर आक्रमण किया। क्यों विदुधर, तुमने क्या समझा था? तुम्हें रण में हराकर हमारी शक्ति समाप्त हो चुकी है? तुम हमें हराकर हमारे राज्य पर अधिकार कर सकते हो? चुप क्यों हो? बताओ तुमने क्या सोचकर हमारी सेना पर आक्रमण किया? युद्ध करना वीरों का धर्म है राजन, हार कर चुप बैठ जाना नहीं। मैंने अपने धर्म का पालन किया है, अब मैं आपका बंदी हूं, आप चाहे तो मेरी गर्दन उड़ा सकते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे। जाओ जब तक विदुधर अपनी भूल की हमसे क्षमा ना मांग ले, इसे बंदी गृह में डाल दो। जो आज्ञा महाराज। जाओ चल। सुन रहे हो पुत्र, तुम्हारे पुण्य प्रताप से तुम्हारे पिता के शत्रु भी वश में होने लगे। जन्म से पहले ही तुम तो चमत्कार दिखाने लगे। आप ठीक कह रही महारानी अंजना, सचमुच हमारा पुत्र असाधारण है, हर दिन वह नए नए चमत्कार दिखा रहा है। तनिक सोचिए महाराज, जब वो जन्म लेने से पहले ही ऐसे चमत्कार दिखा रहा है तो जन्म लेने के बाद क्या करेगा? हाँ अंजना, वह वीर केसरी अपने पराक्रम से अपने माता पिता का नाम अमर कर देगा। भगवान शिव के वरदान से प्राप्त हमारा पुत्र लाखों करोड़ों में एक होगा। तो? हाँ बेटे, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। प्रतीक्षा कर रही हो? मैं तुम्हारी प्रतीक्षा का शीघ्र ही अंत कर दूंगा, कुछ ही दिनों में तुम मुझे अपने गोद में पाओगी। हाँ पुत्र, अब तो मैं दिन रात तुम्हारे ही बारे में सोचती रहती हूँ। मेरे बारे में ही सोचना चाहिए तुम्हें, और तुम भला किसके बारे में सोच सकती हो? मेरे सिवा और सब तो साधारण लोग हैं। तुम सच कहते हो वत्स, तुम कितने असाधारण होंगे इसकी तो मैं बस कल्पना ही कर सकती हूँ। कल्पना क्यों करती हो माते, मैं स्वयं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें?
जो चाहो कहो, मैं तुम्हारा हर सपना सच कर दूंगा। बस मेरा तो इतना ही सपना है कि तू शीघ्र ही मेरी गोद में आ जाए और ये मेरा सोना महल तेरी किलकारियों से गूंज उठे और मैं तेरी मीठी मीठी बातों से सुख पाऊं। बस क्या माते, ये भी कोई सपना है? हा? कोई असंभव कार्य हो तो बताओ, अभी कर दिखाता हूँ। तुम कहो तो मैं आकाश के नक्षत्र तोड़कर तुम्हारे चरणों में रख दूँ। तुम कहो तो मैं पर्वतों को उखाड़ कर उनसे समुद्र को फाड़ दूँ। तुम कहो तो मैं स्वर्ग और पाताल एक कर दूँ। तुम कहो तो बस बस पुत्र, बस बस, मुझे और कुछ नहीं कहना है। तुमने इतना कुछ कह दिया है जिसकी मैं कल्पना ही नहीं कर सकती। माते, तुम और कल्पना कर सको या ना कर सको, परंतु तुम मेरे स्वरूप की कल्पना कदापि नहीं कर सकती। क्यों भला? इसलिए कि मैं तुम्हारी सारी कल्पनाओं को मिथ्या कर दूंगा। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना अद्भुत हूँ। भगवान शिव के वरदान से मिलने वाला बालक अद्भुत ही होगा। अब इतनी कल्पना तो मैं कर ही सकती हूँ। आओ मेरे अद्भुत पुत्र, आओ आओ, अपनी माँ के सीने से लग जाओ। आओ, तुम्हारे मिलन से मिलने वाले सुख से बढ़कर इस संसार में कौन सा सुख होगा भला? आओ ना, आओ, 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 आओ। कहाँ हो पुत्र तुम मेरे लाल, कहाँ हो? देखो तुम अपनी माँ से छल कर रहे हो, आओ ना। अच्छा तो सपने में आए थे तुम? मुझे तो ऐसा लगा ये सपना नहीं सच हो। बधाई हो देवी, हम भी तो देखें अपने पुत्र को, हमारा पुत्र कैसा लग रहा है। धन्य हो वानर महाराज केसरी, धन्य हो माता अंजना। रुद्र का 11वां अवतार वानर रूप में आपका सुपुत्र बनकर प्रकट हुआ है। इसके समान प्रतापी, बलशाली और परम भक्त युगों युगों में ना हुआ है ना होगा। प्रणाम देवर्षि, हमारे अहो भाग्य जो इस शुभ अवसर पर आपके दर्शन हुए। दर्शन के लिए हम आपके आभारी हैं मुनिवर। माता, आपका सुपुत्र वानर रूप में प्रकट हुआ है, इसका आश्चर्य कदापि ना करें बल्कि इसे अपना सौभाग्य समझें। ये वानर नरों में श्रेष्ठ और चमत्कारी बलधारी है, ये तीनों लोकों में पूजा जाएगा, बड़ी बड़ी सिद्धियां इसके नाम से जन्म लेंगी। हाँ बोलो, केसरी नंदन अंजनी सूत पवन पुत्र बजरंग बली की जय। नारायण 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 नारायण। पवन देव आप? प्रणाम देवर्षि। मैं जानता हूं पवन देव,
बजरंग के जन्म पर आपकी प्रसन्नता का पार नहीं है। रुद्र का ये 11वां अवतार आप ही की सहायता से प्रकट हुआ है प्रभु। हाँ देवर्षि, बजरंग असाधारण बालक है। इसके समान कोई बालक सारे संसार में नहीं, ना वानर, ना देव, ना मानव। बजरंग एक ऐसे इतिहास का निर्माण करेगा जैसा आज तक किसी ने न किया हो। वेद, पुराण, इतिहास में बजरंग हनुमान जैसा ना कोई था, ना कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। पवन देव, आपका वचन अटल सत्य है। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण 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 नारायण। कहाँ है प्रभु? देवी लक्ष्मी, तुम्हारे प्रिय भक्त नारद कोई शुभ समाचार लेकर इस ओर आ रहे हैं। शुभ समाचार? कैसा शुभ समाचार? ये तो स्वयं देवर्षि ही बताएंगे, तुम उससे क्यों पूछ रही हो? नारायण नारायण। प्रभु, आपको संसार के कण कण का पता है, फिर आप मुझसे क्यों छुपा रहे हैं? इसलिए कि नारद की बात नारद ही कहें तो अच्छा है। हर शुभ समाचार उनके श्रीमुख से ही अच्छा लगता है। नारायण नारायण। प्रभु, क्या मैं आप दोनों के वार्तालाप के बीच प्रवेश कर सकता हूँ? देखो नारद, प्रभु सदैव ही तुम्हारा पक्ष लेते रहते हैं, जानते हुए भी कोई बात मुझे नहीं बताते। तुम मेरे प्रिय भक्त हो नारद, रात दिन मेरे नाम का जाप करते रहते हो, इसलिए मैं तुम्हारा पक्ष तो लूंगा ही। नारायण नारायण। प्रभु, आपका एक और परम भक्त वानर राज केसरी की सुमेरु नगरी में प्रकट हो चुका है। अब तो आपको उसका पक्ष लेना पड़ेगा। ये नया भक्त कौन है? ये वो भक्त है देवी लक्ष्मी, जिसकी प्रतीक्षा सारा संसार एक लंबे समय से कर रहा था। मैं अंजनी पुत्र केसरी नंदन वानर राज वीर बजरंग के जन्म का शुभ समाचार लेकर आया हूँ। वीर बजरंग? हाँ, वीर बजरंग, वही जो भगवान श्री हरि विष्णु और हर हर शंकर के अटूट प्रेम से उत्पन्न हुआ है। यही वीर बजरंग त्रेता युग से लेकर कलयुग तक प्रभु भक्ति का ऐसा प्रकाश फैलाएगा कि सारा संसार भक्ति में डूब जाएगा। हाँ, तुम सत्य कह रहे हो नारद। त्रेता युग में हमारे जिस अवतार के विषय में तुम हमसे बार बार प्रश्न करते रहे हो, वो समय अब समीप आ रहा है। वीर बजरंग के प्रकट होते ही शुभ और अशुभ शक्तियों का संघर्ष तीव्र से तीव्रतर होगा और हर घटना के साथ एक नए इतिहास का निर्माण होगा। प्रभु, धन्य है आप, धन्य है आपकी लीला। नारायण नारायण। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। आपके तेज और ओज से उत्पन्न जिस महान शक्ति ने अभी अभी अवतार लिया है, आप उसके साक्षी हैं। पवन देव, हमने देखा विष्णु और शिव भक्ति का तेजस्वी संगम। वीर बजरंग ने वानर रूप धारण करके देवी अंजना और वानर राज केसरी के पुत्र के रूप में जन्म लिया है। उसके जन्म के साथ ही संसार में प्रभु भक्ति की एक लहर जाग उठी है। भोलेनाथ, इंद्रदेव ने मुझे स्वर्ग से निष्कासित किया। मैंने कैलाश में आपकी आराधना करके आपका आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर हमारी आज्ञा से तुम अंजना पुत्र बजरंग के जन्म के निमित्त बने। देवी अंजना की तपस्या तुम्हारे कारण ही सफल हुई है। इस सफलता का श्रेय तुमको भी जाता है पवन देव। इसलिए आज से सारा जगत तुम्हें बजरंग के पालक पिता का सम्मान देगा। अब रुद्रावतार बजरंग, अंजनी पुत्र, केसरी नंदन के साथ साथ पवन पुत्र के नाम से भी पहचाना जाएगा। धन्य हो शिव शंकर, धन्य हो। भक्ति के उस शक्ति पुत्र के नाम के साथ मेरा नाम भी जुड़ा होगा, केवल आप ही की कृपा के कारण। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
नमः शिवाय। भरा हुआ थाल लेकर आपके पीछे भागते भागते थक गई। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लड्डू दो, ये लीजिए। और लड्डू दो, ये लीजिए। और लड्डू दो। अब तो खा लीजिए राजकुमार जी। ओ माते, प्रणाम पिताश्री। पुत्र बजरंग, लड्डू तुमने उड़ाए थे? हाँ माते। पुत्र बजरंग, लड्डू तो खाने की वस्तु होती है, तुमने उड़ा क्यों दिए? बालक को स्वयं खाने से पहले प्रसाद माता पिता को भेंट चढ़ाना चाहिए, है ना माते? देखा अंजना, हमारा बजरंग नटखट होने के साथ साथ चतुर भी है। क्या देख रहे हो पुत्र? जय श्री राम। मैं देख रहा हूँ कि मेरे माता पिता कितने महान हैं। पुत्र, ये श्री राम कौन है और ये कहाँ से सीखा है? मैं नहीं जानता पिताश्री, ये स्वर तो मेरी आत्मा से निकलता है।